हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। तो गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं पबजी पीसी लाइट में एफपीएस कैसे चेक करना है। तो गाइस, इसके लिए आपको एक छोटा सा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा, उसके बाद आप ये एफपीएस काउंट अपने पबजी पीसी लाइट में ऊपर शो कर सकते हो। जैसा कि मेरे में आपको दिख रहा है 144 हर्ट्ज यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, 144 का फ्रेम रेट मेरे को मिल रहा है। तो आइए बात करते हैं गाइस कि इसको कैसे करना है और कैसे आप इसको शो कर सकते हो अपने पीसी में। तो गाइस, सबसे पहले हमें करना क्या है, हमको एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है जिसका नाम है फ्रैप्स। तो आप इसको सर्च कर सकते हो गूगल पे, बाकी अगर आप डाउनलोड करना चाहते हो इसको तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोग को मिल जाएगा वेबसाइट का, वहाँ पे डायरेक्टली आप जाके इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो आप ये वेबसाइट ओपन कर लो, वेबसाइट ओपन करने के बाद आप डाउनलोड के ऊपर क्लिक करो, डाउनलोड करने के बाद आप सेटअप पर क्लिक करो। और जैसे कि आप लोग देख रहे हो, मैं इसको ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ, मैं इसको इंस्टॉल करता हूँ अभी। तो भाई लोग, जैसा कि आप लोग देख रहे हो कि ये डाउनलोड हो चुका है, तो अभी हम लोग इसको इंस्टॉल करते हैं। डबल क्लिक करेंगे हम लोग फ्रैप्स पे और इसके बाद ये आपका सॉफ्टवेयर स्टार्ट हो जाता है। देन फिर इसको आप आई एग्री करेंगे। सी ड्राइव पे आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो, अगर आपके पास स्पेस नहीं है तो आप डी ड्राइव पे भी इसको इंस्टॉल कर सकते हो। नेक्स्ट करेंगे, इंस्टॉल करेंगे और सेकेंड्स में गाइज ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाता है। फिर इसको आप क्लोज़ कर दो, यहाँ से आप वेबसाइट बंद कर दो। देन फिर आपको करना क्या है, आपको जाना है फ्रैप्स, ये आपके ऊपर डेस्कटॉप पे आइकन बन जाएगा। डब आपको डबल क्लिक करके जैसे आपको इसको ओपन करना है, तो जैसे ही आपका ये ओपन होगा ये आपका यहाँ पे सामने आ जाएगा। तो अगर आप चाहो तो इसको विंडो जब आप स्टार्ट होती है तो स्टार्ट फ्रैप्स मिनिमाइज कर सकते हो, मतलब आप मिनिमाइज करके भी इसको स्टार्ट कर सकते हो कि जब आपकी विंडो स्टार्ट होगी तो उसके साथ ही स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप नहीं चाहते हो तो उसको आप टिक हटा सकते हो यहाँ से, और आपके जब आप गेम रन करो तो उस टाइम आप इसको ऑन कर सकते हो। दूसरी चीज़ ये गाइस कि ये जो सेकंड टिक है फ्रैप विंडो ऑलवेज ऑन टॉप, इसको आप हमेशा टिक करना, नहीं तो आपका एफपीएस आपको बैकग्राउंड में शो करेगा ना कि पहले शो करेगा। प्लस इसमें आप इसमें स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन हैं जो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। तो फिलहाल मैंने इसको रन कर दिया है और इसको मिनिमाइज़ करते हैं और अभी हम अपना गेम रन करते हैं। जैसे ही मैंने गेम ऑन करा है तो अभी आप देख रहे हो कि यहाँ पे एनवीडिया का एफपीएस शो कर रहा है, जो एनवीडिया जी फोर्स ग्राफिक्स में शो करता है बेसिकली एक्सपीरियंस के वजह से। लेकिन ये यहाँ पे पबजी पीसी लाइट जब ओपन होता है तो वो शो नहीं करता है बॉस उस केस में। तो अभी क्या करना है, हमको गेम स्टार्ट करना है। तो गाइज यहाँ पे गेम स्टार्ट हो चुका है और अब आप लोग देख रहे हो कि एफपीएस का काउंट आप लोग को ऊपर कर्सर जहाँ पे मेरा शो कर रहा है वहाँ पे शो कर रहा है, और यहाँ पे एफपीएस का काउंट आना स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो अभी मैं इन गेम जाता हूँ और वहाँ पे दिखाता हूँ कि एफपीएस वहाँ पे अप डाउन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो गाइस अभी हम लोग इन गेम में आ चुके हैं, तो अब अभी आप देख रहे हो कि FPS प्रॉपर शो कर रहा है, जो पहले जैसे कि NVIDIA के GeForce वाले ऑप्शन से शो नहीं कर रहा था, बट अभी ये यहाँ पे शो करने लग गया है और यहाँ पे अपना FPS काउंट आप चेक कर सकते हो। तो गाइस, थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए और प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है। फ्रैप्स का जहाँ से ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो।